सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम 10वीं कक्षा में स्केल नंबर 29 की कागज बांट करेंगे कि लेंथ है 92 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 47 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए हमने कागज को ऊंचाई की तरफ रखा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमने फुट्टा देखना है और फुट्टा इसमें दिया हुआ है 1.10 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं 1.10 सेंटीमीटर में फुट्टा दे रखा है और हमने लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना है। तो 92 और 47 है 139, तो 139 सेंटीमीटर हमने काटना है, तो 110 सेंटीमीटर फुट्टे से। तो सबसे पहले हमने यहाँ फुट्टा लगा के 139 सेंटीमीटर में काटेंगे, 140 है तो यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर कम कर देना है 139। और हमने इसमें जो बच के शीट है उसके हमने बराबर 3 भाग करने हैं, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे और प्रकार से हमने इसमें बराबर 3 निशान हमने इसमें लगाने हैं, 1, 2 और 3 इस तरह से। और हमने इसमें काउंटिंग लिख देनी है 1, 2, 3। तो जो ये हमारा 3 है इसको हमने लास्ट पॉइंट के साथ मिला देना है यहाँ पे इस तरह से। और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 2 से, इस तरह से। और इसी के समानांतर हम रेखा लेंगे 1 से, इस तरह से। इस तरह से हमने देखना है कि ये बराबर निशान है, तो 1, 2, 3 बिल्कुल बराबर है। तो हमने यहाँ से 1 भाग छोड़ना है, फिर हम छोड़ेंगे इसमें लेंथ, और लेंथ हमारी है यहाँ पे 92 सेंटीमीटर। यहाँ से ये 100 है तो ये 90 और 2 92। फिर हम काटेंगे 1 भाग और अब हम काटेंगे इसमें इसकी ब्रेथ जो हमारी है 47 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 40, 45 और 2 47 बिल्कुल हमारी जो है बराबर आ रही है। अब हमने नीचे भी इसी तरह से इसमें इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से हम काटेंगे पहले 1 भाग इस तरह से और इसमें लेंथ बानवे सेंटीमीटर, फिर हम काटेंगे 1 भाग, काटेंगे ब्रेथ 47 सेंटीमीटर, 1 भाग हमारा जो है यहाँ पर बच जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमारा 1 भाग बच गया है। अब हमने इसको हल्की रेखाओं से भी मिलाना है, इस तरह से। तो हमने इसको हाइट की तरफ बांटना है, तो इसकी हाइट है 152 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 47 सेंटीमीटर, तो ये है 199 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने 199 सेंटीमीटर काटना है, तो ये देख सकते हैं आप ये है हमारा 200, तो 1 हमने यहाँ से कम कर देना है इस तरह से। और इसके यहाँ से भी इसी तरह से नियम कोण लेंगे
इस तरह से, और इसमें हम बराबर 5 निशान लगा देंगे। एक, दो, तीन, चार, एक, 5। इस तरह से हम इसमें 5 निशान लगा देंगे, जिसके हम नाम लिख देंगे यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ लास्ट पॉइंट के साथ मिलाना है, हमने लास्ट पॉइंट को 5 के साथ मिलाना है, और इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है 4, 3, 2 और 1। इस तरह से अब हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 बिल्कुल बराबर है। हमने 2 भाग जितने प्रकार खोलने हैं यहाँ पे, और यहाँ से हमने ऊपर से जो है वो 2 भाग यहाँ पे काट देने हैं इस तरह से। और अब हम काटेंगे इसमें हाइट, तो हमारी हाइट है 152 सेंटीमीटर यहाँ पे, यहाँ से 152, तो 50 और 2, 52 सेंटीमीटर। और हमें लेना है एक भाग, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से एक भाग। इसके बाद हम काटेंगे इसमें ब्रेड्थ, और इसकी ब्रेड्थ है 47 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख सकते हैं 40, 45 और 2, 47 बिल्कुल बराबर आ रही है। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से, यहाँ से ये हमारे 2 भाग जितनी प्रकार हमने खोल रखी है, और यहाँ से हम काट देंगे, ये हमने 2 भाग जितनी प्रकार खोल के काट दिया है। और हम काटेंगे इसमें इसकी हाइट 152 सेंटीमीटर, और हम काटेंगे एक भाग, एक भाग इस तरह से। और अब हम काटेंगे इसमें ब्रेड्थ है इसकी 47 सेंटीमीटर, ये 45 और 2, 47। 2 भाग हमारे पीछे बच जाएंगे। तो अब हमें यहाँ लाइन लगानी है, अब हल्की सी लाइन लगाएंगे हाइट लिखने के लिए यहाँ पे। ये हम पूरी लाइन लगाएंगे, ये मर्यादा रेखा है, यहाँ पे हम तिरछा इसको मिला देंगे, इस तरह से। और जो फालतू लाइनें हैं वो मिटा देंगे, और जो हमारी फीकी लाइनें हैं इनको हम गाढ़ा कर देंगे। इस तरह से आपने फालतू लाइन को मिटा देना है, और ये हमारी एक्स वाई लाइन होती है, आधा रेखा होती है। आपने इसमें यहाँ हाइट, ब्रेथ और लेंथ लिख देनी है, एलिवेशन, साइड प्लानर, प्रोजेक्शन, यहाँ पे नीचे फुट्टा इसमें बनना है, ये बताना है कि कौन सा आपने इसमें स्केल कार्ड यूज किया। तो 1.10 सेंटीमीटर स्केल कार्ड हमने इसमें यूज किया है, यहाँ फुट्टा बनाना भी, क्योंकि इसके आपको 2 नंबर अलग से मिलने हैं फुट्टे के। तो इस तरह से आपने इसकी कागज़ बाट करनी है, और स्केल की वीडियो मैंने बना रखी है, आपने वहाँ से देख करके स्केल को भी कंप्लीट करना है। ये स्केल नंबर आपकी है 29। इस तरह से आपने इसको सफाई के साथ बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।